मूवी की शुरुआत में हम अकीना और युमा को देखते हैं और अकीना श्रापित फोन बोर्ड के पास होती है और युमा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वो दोनों 2 बजने की रात देख रहे होते हैं। और जैसे 2 बजते वो श्रापित फोन बूथ में से कॉल आता है और अकीना कॉल अटेंड करती है तो उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। और तभी अकीना डर जाती है और जल्दबाजी में बोलती है, हम तुम्हारी ओर आ रहे हैं। इसके बाद वो दोनों इनुनाकी टनल में एंटर करते हैं और युमा की भयानक गांड फटी पड़ी होती है और वो दोनों इनुनाकी विलेज में आ जाते हैं। और अकीना एक घर में जाती है और उसको वॉशरूम लगी होती है इसलिए वॉशरूम करने जाती है। और युमा दूसरे घर में जाता है तो उसको एक साइन बोर्ड मिलता है जो कि 1949 की चिकोशी इलेक्ट्रिक कंपनी का होता है। और इधर हम देखते हैं कि अकीना फ्रेश हो जाने के बाद वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजा नहीं खुलता है और तभी अचानक से उसको कुत्तों की आवाज सुनाई देती है और अकीना भयानक डर जाती है। और तभी पीछे खिड़की से एक हाथ आता है और अकीना को पकड़ लेता है और डर के मारे अकीना बहुत जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर युमा उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है और युमा उसको शांत कराता है। तो अकीना इतनी ज्यादा डर चुकी होती है कि वो युमा को पहचानती भी नहीं है और उसको धक्का देकर वहां से भाग जाती है। और फिर युमा उसको अगेन शांत कराता है, वो तो शांत हो जाती है। और तभी अकीना को कोई पकड़ लेता है और उसके बाद क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा। और इसके बाद हम साइकाट्रिस्ट कानाई को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और उसके पास पेशेंट के तौर पर रियोता नाम का बच्चा आया होता है और उसकी मॉम आई होती है। रियोता की मॉम इसको यहाँ पर इसलिए लाई होती है क्योंकि रियोता को बुरे सपने आ रहे होते हैं और इसके बारे में अपनी मॉम को बता नहीं रहा होता है। और तभी डॉग की असिस्टेंट रियोता की मॉम को बाहर लेके जाती है और कानाई डॉक्टर उससे पूछते कि अब बताओ तुम अपनी मॉम से क्या छुपा रहे हो। तो रियोता बताता है कि मुझे अपनी मॉम हर जगह दिखती है। तो कानाई पूछती है बट तुम्हारी मॉम यहाँ तो नहीं है। तो रियोता बताते कि वो यहीं पे आपके पीछे। और ये सुनकर कानाई डर जाती है और एग्जामिन होने के बाद रियोता वहाँ से जाता है। तभी वो कानाई को बाय बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वो कानाई को बाय नहीं बोल रहा होता है बल्कि अपनी मॉम को बाय बोल रहा होता है। और हम यहाँ पे देखते कि उसकी मॉम जो होती है वो भूत होती है। और हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि कानाई भी भूतों को देख सकती है और उसके पास ये ताकत कैसी आई ये आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। एंड दैट टाइम उसको उसके भाई का कॉल आता है और अपने घर के लिए निकल जाती है। और कानाई घर में पहुँचते ही पूछते कि क्या हुआ। तो युमा बताता है कि जब से हम इनुनाकी विलेज में गए तब से अकीना को कुछ हो गया है। और इनुनाकी विलेज का नाम सुनते ही उसका छोटा भाई बाहर आता है और वो पूछता है कि क्या आप सच में इनुनाकी विलेज में गए थे। और कोटा उनको ये भी बताता है कि मैंने सुना है कि वो श्रापित और भूतिया विलेज है और उसी के श्राप के कारण अकीना की ऐसी हालत हुई होंगी। और ये सब उसके डैड सुन लेते हैं और वो बाहर आते हैं और कोटा को खेलने जाने के लिए बोलते हैं और युमा को इस बारे में डांटते हैं और युमा को इसके बारे में कभी भी बात ना करने के लिए बोलते हैं। और युमा गुस्सा होकर वहां से जाता है और उसके पीछे कानाई भी जाती है और युमा उसको अपने रूम में लेके जाता है जहाँ पर अकीना भी होती है। और अकीना एक अजीब सा गाना गा रही होती है और वो ड्राइंग बना रही होती है और कानाई उससे पूछते है क्या तुम ठीक हो। तो अकीना बताती है मैं ठीक हूँ और वो ये भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर एक कुत्ता देखा था और उसके बाद वो वॉशरूम के लिए निकल जाती है। और ये सब देखकर कानाई उसको बोलती है कि तुम उसको कल हॉस्पिटल में लेके आना। और युमा उसको पूछता है कि तुम आत्माओं को देख सकते हो ना, तो उसके बारे में कानाई बात करने से मना करती है उसको। और उसके बाद हम कोटा को देखते हैं जो अपने रूम में जाता है और युमा ने जो इनुनाकी विलेज का वीडियो बनाया होता है अपने मोबाइल में उसकी मेमोरी कोटा निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है। और तभी कोटा को अकीना की आवाज़ सुनाई देती है जो बाहर कहीं जा रही होती है गाना गाते हुए। और इधर हम देखते हैं कि कानाई के हाथ अकीना की बनाई हुई ड्राइंग रखती है जो कि बहुत ही डरावनी होती है। और तभी वहां पर कोटा आता है और उन दोनों को बताता है कि अकीना गाना गाते हुए कहीं जा रही है और वो तीनों अकीना को ढूंढने निकल जाते हैं। और अकीना को ढूंढते हुए युमा को अकीना का कॉल आता है और तभी अचानक से टावर से अकीना गिरती है उसके सामने और उसके सामने वो मर जाती है। और उसके अगले दिन हम अकीना का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पर युमा और उसकी फैमिली आई होती है। और यामानो में डॉक्टर युमा के डैड को बताते हैं कि अकीना चांग के पेट में हमें कुछ मिला था और ये क्या था आपको आगे पता चलेगा। और फ्यूनरल हो जाने के बाद युमा अपने घर पे जाता है जहाँ पर उसको अकीना की मैटरनिटी रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अकीना माँ बनने वाली थी। अब समझे उसके पेट में क्या था, ये था उसके पेट में। और तभी कानाई भी घर पे पहुंच जाती है और वो कोटा के रूम में जाती है और उसको इनुनाकी विलेज के बारे में पूछती है। तो कोटा बताता है कि मैंने इसके बारे में रिसर्च करना बंद कर दिया और वो इनुनाकी विलेज के बनाया हुआ अपना मॉडल तोड़ने वाला ही होता कि कानाई उसको रोकती है और उससे पूछते है कि इनुनाकी विलेज में कैसे जा सकते हैं। तो कोटा बताता है कि अर्बन लेजेंड है और उसका पता जापा के मैप से भी हटा दिया गया है। और कोटा उसको बताता है कि इनुनाकी विलेज में जाने के लिए सबसे पहले रेड ब्रिज के पास जो फोन बूथ है उसके पास जाना होगा और आगे के बारे में बताने वाला ही होता है कि उसको युमा की आवाज़ सुनाई देती है जो कि इनुनाकी विलेज के लिए जाने वाला होता है।
और ये सुनते ही कोटा युमा के पास जाता है और कान्हा उसको रुकने को बोलती है। तभी उसके पीछे उसको किसी के होने का आभास होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि उमा अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरुना के ट्रक के पास जाता है और उसने कार बाहर ही पार्क की होती है और हम देखते हैं कि कोटा भी बैक सीट पर बैठकर वहां पर आया होता है। और इधर हम देखते कि युमा हिरुना के टनल के पास पहुंच जाता है और हिरुना के टनल के पास बहुत बड़ी दीवार होती है और दीवार को फांद कर अंदर चला जाता है। और इसके बाद हम कान्हा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और रियोटा के ट्रीटमेंट के लिए उसके मॉम डैड उसको वहां पर लेके आए होते है। और कान्हा रियोटा के डैड से मिलती है तो रियोटा के डैड बताते है कि रियोटा हमारा असली बेटा नहीं है। और उसके डैडी भी बताते है कि मेरी बीवी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और मैं ये बात अपनी बीवी को बता नहीं सकता था। और तभी पास बैठे डॉक्टर बताते हैं कि और उसी टाइम पर एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था और औरत बच्चे को जन्म देती ही मर गई थी। और तभी रियोता के डैड ने रियोता को अडॉप्ट कर लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि रियोता को वो भूतनी क्यों दिखती थी, क्योंकि वो उसकी माँ थी। और रियोता के डैड कान्हा को बोलते कि प्लीज ये बात सीक्रेट रखिएगा, ये बात मेरी बीवी को मत बताइएगा। तो कान्हा मान जाती है और तभी कान्हा रियोता के पास जाती है और रियोता के पीछे उसकी मॉम खड़ी होती है और उसकी मॉम को कान्हा देख लेती है और डर जाती है। तो रियोता कहते है कि डरिए मत मॉम, डरावनी नहीं है। और ये सुनते कान्हा उस पर चिल्लाती है। और इधर हम देखते हैं कि युमा के दोस्त उसको वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं और कोठा वहां पर पहुंच जाता है। और तभी उसको टनल के अंदर से अपने भाई की आवाज सुनाई देती है और कैमरे को दीवार के ऊपर रखता है और दीवार पर चढ़कर अपने भाई को आवाज लगाता है। और युमा उसकी आवाज सुन लेता है, उसको बोलता है कि नीचे मत आना, मैं ऊपर आ रहा हूँ। और ये बोलते ऊपर चढ़ने वाला ही होता है कि उसका भाई नीचे गिर जाता है अपने टॉर्च के साथ। और युमा टॉर्च को उठाने वाला ही होता है कि भूत उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भूत को देखकर डर ही जाता है कि तभी उसके भाई को भी भूतों ने पकड़ लिया होता है और सभी के सभी भूत उस पर अटैक करते हैं। और इन दोनों के साथ क्या होता है आपको मूवी के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। और उसके कुछ समय बाद हम युमा के दोस्त को देखते हैं जो कि युमा के फैमिली को और पुलिस वालों को टनल के पास लेके आता है। और उसका एक दोस्त बताता है कि युमा टनल के अंदर गया था। और तभी कान्हा की मॉम को कोटा का कैमरा दिखता है और उन दोनों को ढूंढने के लिए दीवार पर चढ़ने वाली होती है कि सभी के सभी उसको रोकते है और वो पागल हो जाती है, कुत्ते जैसे हरकत करने लगती है और अपने पति को भी काट डालती है। और उसके पति के हाथ से खून निकलता है और ऐसा करने के लिए अपने पति से माफी मांगते है। तभी उसका पति उसको पीछे ढकेल देता है और तभी कान्हा को किसी के होने का वहां पर आभास होता है। और उसके बाद रात हो जाती है और कान्हा को देखते है जो कि हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वो रियोता के रूम में जाती है और रियोता की ममडा से बोलती है कि आप घर पर चली जाइए, मैं रियोता का ख्याल रखूंगी। और रियोता की ममडा मान जाती है और घर के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद हम युमा के दोस्त यूजे को देखते हैं जिसकी बाइक रेड ब्रिज के पास खराब हो चुकी होती है और वो शापित टेलीफोन बूथ से अपने दोस्त को कॉल लगाता है और अपने दोस्त को यहाँ पर आकर पिकअप करने के लिए बोलता है। तो उसका दोस्त मान जाता है और उसके कुछ समय बाद उसके दो दोस्त टेलीफोन बूथ के पास पहुंच जाते हैं और वो दोनों यूजर को ढूंढते तो उनको यूजर कहीं पर भी नहीं मिलता है। और तभी अचानक से उस फोन बूथ पर किसी का कॉल आता है और उन दोनों में से एक फोन उठाता है और वो कॉल यूजर का होता है और वो वही बोल रहा होता है जो उसने अपने दोस्त को बोला था और वो बार बार वही बात ही रिपीट कर रहा होता है। और तभी अचानक से उस फोन बूथ का दरवाजा बंद हो जाता है और वो दोनों अंदर फंस जाते हैं। और इधर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि रियोता अचानक से उठ जाता है और उसको बाहर कोई दिखता है इसलिए वो बाहर चला जाता है। और तभी कान्हा भी उठ जाती है और उसको रियोता अपने बेड पर नहीं दिखता है इसलिए वो रियोता को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तो रियोता उसको एक रूम के बाहर दिखता है और उस रूम में से कान्हा को वही गाने की आवाज सुनाई देती है जो अकीना गा रही थी। और कान्हा उस रूम में जाती है तो देखते है कि यामानो में डॉक्टर एडमिट होते है और वो मरने की हालत में होते है। और तभी यामानो में डॉक्टर कान्हा का हाथ पकड़ते है और उसके कान में वही गाना गाते है। और तभी अचानक से वहाँ पर हिरुनामी विलेज की सारी आत्माएं वहाँ पर आ जाती है। और इधर हम देखते कि उस फोन बूथ में अचानक से पानी आ जाता है और पानी पूरा भर जाता है फोन बूथ में। और तभी हम देखते कि उस फोन बूथ के बाहर आत्माएं आ जाती है और फोन बूथ पूरा पानी से भरने के कारण वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। और इधर कान्हा भूतों को देखकर डर जाती है, वो बाहर निकलकर रियोता को लेकर भाग जाती है। और तभी सारी आत्माएं उन दोनों पर हमला करती है बट उन दोनों को कुछ भी नहीं करती है। और तभी वो दोनों अचानक से रियोता के रूम में पहुंच जाते हैं और रियोता के बेड में से यामानो भी डॉक्टर निकलते हैं। और ये बेड में से निकलने वाला सीन याद रखना, ये सीन आपको मूवी के लास्ट में भी दिखेगा। और वो बताते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी डॉगो में कुत्तों को मारने वाले का खून दौड़ रहा है। और यामानो में डॉक्टर कान्हा को ऐसा क्यों बोलते है कि तुम्हारी डॉगो में कुत्तों को मारने वाले का खून दौड़ रहा है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। और ये बोलकर उन दोनों पर हमला करने वाली होती है कि रियोता की और कान्हा की आँख खुल जाती है और उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों सपना देख रहे थे। और तभी वहां पर नर्स आते हैं और बताते हैं कि यामानो में डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद कान्हा अपने घर पे जाती है और अपने डैड से पूछती है कि डैड हमारे फैमिली के साथ ये क्या हो रहा है, पहले युमा और कोटा गायब हो गए और अब यामानो में डॉक्टर चल बसे, आप जरूर कुछ जानते हैं और आप मॉम से इतनी नफरत क्यों करते हो।
तो उसके डैड उसको कुछ भी नहीं बताते और वहां से चले जाते हैं। और कान्हाई उनको फोर्स करती है तो बताते हैं कि तुम्हें बचपन से ही अजीब चीजें दिखती थी, बस इतना बताते और वहां से निकल जाते हैं वो। और डैड से कुछ भी इंफॉर्मेशन ना मिलने के बाद कान्हाई अपने नाना जी के घर पे जाती है और नाना जी के घर में एंटर करती है। उसको अपने बचपन के दिन याद आते हैं जहाँ पर अपने नानी के साथ वक्त बिताया करती थी। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसकी नानी को भी भूत जैसी चीजें दिखती थी। और इसके बाद कान्हाई अपने नाना जी से पूछती है कि क्या हमारी फैमिली में से कोई इरुना के विलेज से है, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। तो उसके नाना जी उसको बोलते हैं कि हाँ, एक बच्ची थी जिसको यहाँ पर कोई छोड़ के गया था, और वो बच्ची कौन थी और उसको कौन छोड़ के गया था ये मूवी के क्लाइमेक्स में आपको पता चल जाएगा। और उसके नाना जी उसको ये भी बोलते हैं कि तुम इरुना के विलेज में नहीं जा सकते क्योंकि उस पर डैम बना दिया गया है। और उसके बाद कान्हाई डैम के पास जाते तो उसको वही आदमी दिखता है जो उसको बचपन में दिखा था। और फर्स्ट टाइम कान्हाई जब इरुना के टनल के पास गई थी तब उसको दिखा था। और इस भूत का नाम होता है केंजी। और कान्हाई उसे डरते दिए, उसे पूछते कि इरुना के विलेज के साथ क्या हुआ था। इसके बाद केंजी उसको वीडियो टेप दिखाता है जिसपे हम देखते हैं कि इरुना के विलेज के लोग डॉग को मारकर अपना गुजारा करते थे, और तभी वहां पर डैम बनाने के लिए कुछ लोग आते हैं और उन सबको मार डालते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक केंजी नाम का भूत इरुना के विलेज से नहीं होता है, और जो आदमी डैम बनाने के लिए इरुना के विलेज के लोगों को मार रहा होता है वो कान्हाई के दादाजी होते हैं। वो केंजी कान्हाई को ये भी बताता है कि उन्होंने फोर्सफुली कुछ महिलाओं को जबरदस्ती बंदी बनाया और कुछ कुत्तों के भी छोड़ दिया, और कुछ कुत्तों ने उनके साथ जबरदस्ती सेक्स भी किया। और कुत्तों ने उनके साथ जबरदस्ती सेक्स किया, ये बात याद रखना क्योंकि इसका क्लाइमेक्स के साथ बहुत बड़ा लिंक है। और कान्हाई के दादाजी के ये सब कांड देखकर वो सब रोकने को बोलती है, और तभी वो सब लोग जो मर चुके होते हैं वो फिल्म से बाहर आते हैं और कान्हाई उनसे डर कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद रात हो जाती है और कान्हाई अपने घर में पहुंच जाती है। वो सबसे पहले अपनी मॉम के रूम में जाती है तो उनके रूम में से वही गाने की आवाज आ रही होती जो कीना गा रही थी। और तभी कान्हाई दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी मॉम पूरी तरह से कुत्ती बन चुकी है। और तभी उसके डैड वहां पर आते हैं, अपनी वाइफ को शांत कराते हैं, और कान्हाई देखकर डर जाती है और सीधा कोटा के रूम में भागती है। और तभी उसको कोटा का बनाया हुआ इरुना के विलेज का मॉडल दिखता है, और उस मॉडल में उसको फोन बूथ दिखता है। और फोन बूथ को खोलती तो उसमें चिप होती है, और ये चिप और कोई नहीं बल्कि युमा के मोबाइल की होती है। और उस चिप को वो अपने लैपटॉप में लगाती है तो उसको अकाने और युमा दिखते है, जहाँ पर युमा अकाने का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, और वो दोनों 2 बजे की रात देख रहे होते हैं। और जैसे ही 2 बजते तभी फोन बूथ पर कॉल आता है और अकीना फोन उठाती है तो उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, और अकीना वहाँ पर आ रही है बोलकर फोन रख देती है। इसके बाद कान्हाई बिना देरी के फोन बूथ के पास जाती है और 2 बजने का वेट कर रही होती है। और जैसे ही 2 बजते तभी उस फोन बूथ पर कॉल आता है, और कान्हाई जैसे फोन उठाती है उसको उसके भाइयों की आवाज़ सुनाई देती है। और इसके बाद कान्हाई इरुना के टनल के पास जाती तो उसको केंजी मिलता है, और केंजी उसको एक घर में लेके जाता है जहाँ पर उसके 2 भाई जिंदा होते हैं और केज में फंसे होते हैं। और युमा उसको बताता है कि इसकी चाबी दूसरे रूम में है। इसके बाद कान्हाई दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ पर कुत्ता सोया होता है, और तभी कान्हाई बिना शोर किए चुपचाप चाबी निकाल लेती है। और तभी केंजी उसको दूसरे रूम में लेके जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड माया होती है और उसने एक बच्ची को जन्म दिया होता है, और ये वही लड़की होती है जिसको कान्हाई के दादाजी ने जबरदस्ती बंदी बना के रखा होता है, और उसके साथ जबरदस्ती कुत्ते ने सेक्स किया होता है जिसकी वजह से इसको बच्चा पैदा होता है। और तभी केंजी कान्हाई को अपनी बेटी सौंप देता है और बोलता है कि इसको जल्दी यहाँ से लेके जाओ। तभी माया उसको बोलती है कि मेरी बेटी को मत लेके जाओ, तो केंजी उसको संभालता है और केंजी कान्हाई को बोलता है कि इसको जल्दी यहाँ से लेके जाओ इससे पहले कि पूरा गाँव पानी के नीचे डूब जाए। और कान्हाई बिना देरी किए चाबी लेकर और बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है, और चाबी से केज खोलकर तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि माया के साथ कुत्ते ने सेक्स किया होता है, इसकी वजह से उसका DNA चेंज हो जाता है और वो कुत्ते जैसी बन जाती है, और तभी वो केंजी को ही काटती है। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों टनल से बाहर निकलने वाली होती है कि केंजी वहाँ पर आ जाता है और उन तीनों को बोलता है कि जल्दी भाग जाओ। और तभी उसके पीछे हम देखते हैं कि माया होती है और पूरी तरह से जानवर बन चुकी होती है। एंड दैट टाइम हम देखते हैं कि विलेज की सभी आत्माएं वहाँ पर आ जाती है, और उन सबके साथ अकीना भी होती है, और युमा उसको देखकर हैरान हो जाता है। और माया उन तीनों पर हमला करने वाली होती है कि युमा उसको रोकता है, और तभी वो युमा को काट डालती है, और तभी केंजी भी उसको रोकता है, और तभी युमा उसको बोलता है कि तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ। और कान्हाई बिना समय गवाए वहाँ से भाग जाती है और घर के पास पहुँच जाती है, और वो बच्ची को वहीं पर रखकर वो दोनों बेहोश रहती है। और तभी हम देखते कि उस घर में से ओल्ड कपड़े पहने एक बच्चा बाहर निकलता है, और तभी हम देखते कि कान्हाई वहाँ पर नहीं होती है, और वो बच्चा उस बच्ची को लेकर अपने घर में जाता है। और तभी हम देखते कि उस घर में से कान्हाई के नाना जी बाहर निकलते हैं और कान्हाई को और कोटा को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। आई नो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बच्ची टाइम ट्रेवल करके पास में कैसे चली गई। मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। दरअसल उस बच्चे ने टाइम ट्रेवल नहीं किया था, बल्कि कान्हाई ने टाइम ट्रेवल किया था, और ऐसा उसने इरुना के टनल की मदद से की थी। मे बी वो टाइम ट्रेवल करने का एक जरिया हो। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले केंजी जब माया की बेटी
कान्हाई को सौंपता है तो बोलता है इसको जल्दी यहाँ से लेके जाओ इसके पहले कि ये पूरा गांव पानी के नीचे डूब जाए। और उसका मतलब ये निकलता है कि ये जो पूरा कांड चल रहा था वो पास में ही चल रहा था। और मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि जब कान्हाई अपने नाना जी से मिलने गई थी तब उसने कहा था कि मैं इनुनाकी विलेज जाना चाहती हूँ, तो उसके नाना जी ने कहा था कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि वो डैम के नीचे डूब चुका है। और तभी उसके नाना जी ने एक और बात कही थी कि एक बच्चे को कोई हमारे घर के पास छोड़ के गया था तो और कोई नहीं बल्कि वो कान्हा ही थी। अभी एक और सवाल का आंसर बाकी है कि यामानो में डॉक्टर ने जब मर रहा था वो तब कान्हा के सपने में आकर उसने ये क्यों बोला था कि तुम्हारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो कुत्तों को मारने वाले का खून है। इसका आंसर सिंपल है कि कान्हा ने जो बच्चे को छोड़ा था वो दरअसल उसकी नानी थी और वो इनुनाकी विलेज से थी, इसलिए उसके रगों में कुत्तों को मारने वाले का खून दौड़ रहा है। सिंपल। और यही कारण था कि उसकी मॉम कुत्ते जैसी हरकत कर रही थी और कुत्ते जैसी बन गई थी। इसके बाद हम कान्हाई को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आए होते हैं क्योंकि युमा की बॉडी पुलिस वालों को डैम में मिलती है और उसकी बॉडी टाइम ट्रेवल करके आई होती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के साथ माया की बॉडी आई होती है जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी होती है। और ये सीन पूरी तरह से सेम है इस वाले सीन से जब यामानो में डॉक्टर कान्हाई के सपने में आए थे। और उसके बाद हम देखते कि रियोता ठीक हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है। और तभी रियोता पीछे मुड़कर कान्हाई को देखता है तो उसके साथ उसकी मॉम भी होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कान्हाई भी जानवर बन चुकी होती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।